नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इंदौर के नामी अस्पताल ग्रेटर कैलाश में लापरवाही का एक और नमूना सामने आया है। दरअसल लापरवाही भी कोई छोटी मोटी नहीं। एक मरीज के बीमार होने के बाद यहां लाए जाने पर उसकी मौत हो जाने के बाद उनके परिजनों को उस शख्स की जगह किसी दूसरे शख्स की लाश दे दी गई। बाद में 70 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद उन्हें पता चला कि वे जिसे अपने की लाश समझकर ले जा रहे थे वो किसी दूसरे की लाश है। खंडवा के एक व्यापारी की मौत के बाद परिजनों को दूसरे की लाश दे दी गई। परिजन लाश लेकर करीब 70 किलोमीटर दूर बड़वाह तक पहुंच गए थे, तभी दूसरा पक्ष लाश लेने अस्पताल पहुंचा, तब मामले का खुलासा हुआ। अस्पताल से बड़वाह तक पहुंच चुके व्यापारी के परिजनों को फोन लगाकर वापस बुलाया और इंदौर से 70 किलोमीटर दूर इंदौर खंडवा मार्ग पर लाश बदलकर दूसरी लाश दी गई। पिछले दिनों ख्यात डॉक्टर जीएस मित्तल की भी लापरवाही से मौत के मामले में अस्पताल चर्चाओं में है। वहीं पैसे न मिलने से अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये वही बॉडी है जो हम लोग के अंकल की है। ये लोग अभी के अभी, ये लोग कम से कम 3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे बॉडी लेकर आए हैं और ये लोग अभी एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर। इन लोग को ये नहीं पता है कि कौन सी बॉडी किसको देनी है और किसका फादर कौन है। ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, देखिए आप लोग।